ओके, कमिंग बैक टू दैट फोर्सेस, है ना, क्या बता रहा था मैं, जस्ट वी आर वीक डिस्कसिंग न्यूक्लियर फोर्सेस. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. तो जब कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, कभी प्रोटॉन भी सरप्लस होते हैं किसी किसी रिएक्शंस में, है ना, तो दे विल कन्वर्ट इनटू द अदर, तो बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए. तो दैट इज कॉल्ड बीटा डीके. उसमें तीन पार्टिकल बनते हैं बीटा रेडिएशन में या बीटा डीके में, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो ऑल द फोर्सेज आर विद इन दिस, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट होता है, जो रो नॉर्मल रिएक्शन होती है, टेंशन होता है, टेंशन इन द रोप और स्ट्रिंग, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है. मोस्ट ऑफ द फोर्सेज व्हेन वी शेक हैंड विद द अदर पर्सन, नाउ डेज इट इज नॉट एडवाइजेबल, है ना, तो शेकिंग हैंड इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, वॉकिंग बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्ट फोर्स वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, है ना, ड्राइव, वी कैन ड्राइव ऑन द रोड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अगर ये नहीं होता तो ड्राइविंग पॉसिबल नहीं होती, चलना मुश्किल नहीं होता है, कंप्लीट यूनिवर्स विल बी स्टैंडिंग स्टिल, वी कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नॉट देयर. क्लियर? तो ये चार टाइप के फोर्सेज होते हैं, और बाकी जो फोर्सेज होते हैं दे विल बी वन ऑफ देम, कोई भी फोर्स एग्जांपल लेंगे तो इसमें से ही कोई ना कोई होगा. होल्डिंग द पेन इज द कॉन्टेक्ट. ओके, चलो बताओ मुझे, टेल मी, सपोज यू आर राइटिंग ऑन टू योर नोटबुक, ठीक है, आंसर मी फॉर द थ्री पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. पहला पार्ट ये है होल्डिंग द पेन, विच फोर्स इट इज आउट ऑफ दिस फोर्सेस, होल्डिंग द पेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ कोर्स. राइटिंग, पेन इज राइटिंग ऑन द पेपर, फ्रिक्शन, अगेन विच इज दिस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फोर्स बिटवीन द पेन एंड द पेपर नोटबुक, फोर्स बिटवीन द पेन एंड नोटबुक, विच इज द फोर्स, पेन एंड नोटबुक के बीच में कौन सा फोर्स, नहीं सॉरी आई मीन फोर्स बिटवीन द व्हाट इज कॉल्ड हैंड एंड नोटबुक, हैंड एंड नोटबुक के बीच में फोर्स होगा कोई, ऑफ कोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एनी टू. अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में और सुन लो, लिसन वन मोर पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स ये अपने चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन फोर्स का, बताओ एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स लिविंग और नॉन लिविंग विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स, कितना फोर्स होता है, न्यूटन ने दिया था ना उसके ऊपर एप्पल गिरा था, 9.8 मीटर, 9.8. दो ऑब्जेक्ट है ये, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं उसको, M1, M2, he could give this law while he was sitting underneath the apple tree in the near London in UK, and because of that he got the clue, he had the clue ki gravity is there, gravity was defined earlier, gravity was known at that time, but he was trying to write the formula for gravity. And while sitting underneath that apple tree, still it is there, that tree is still there, but now people cannot sit underneath that tree, it is just their fencing is put because its roots are getting spoiled, so people used to come and sit down there, so there is a heavy load on the surface, isliye usko thoda sa fencing kar diya, you can go near to that apple tree but not sit down underneath that. So he got the clue there ki force is equal to दो ऑब्जेक्ट के बीच में जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. ये जो आर स्क्वायर का जो उसको आइडिया था, ये इनवर्स स्क्वायर ला बोलते हैं, he was not able to get that whether it will be r square or it will be r cube. He was observing the moon also, moon का भी उसको पता था कि भाई moon is revolving due to the gravitational force of the earth. But that apple and moon से उसने कंपेयर किया, फिर moon का डिस्टेंस was known, apple को उसने लिया अर्थ की रेडियस की डिस्टेंस के बराबर, देन ही गॉट दिस क्लू, आर स्क्वायर का जो ये था ना दैट उसको डाउट, फ्रॉम दैट ही कुड सॉल्व दिस, वेदर आर स्क्वायर वर आर क्यू और आर, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं उसको. इलेक्ट्रिकल फोर्स इज आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ.
तो फोर्स बिटवीन हैंड एंड द नोटबुक इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज नॉट दैट अर्थ विल ऑलवेज अप्लाई द फोर्स, बट अर्थ इज मैसिव, अर्थ इज वेरी मैसिव, उसका फोर्स हमें दिखता है, बाकी ऑब्जेक्ट का वी कैन नॉट फील इट, बट देयर इज सर्टेनली फोर्स. जी की वैल्यू बहुत कम होती, ये जो जी होता है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट द लोकल कॉन्स्टेंट. जो नागपुर में है वही यूके में होगा, वही मून पर होगा, वही मार्स पर होगा, वही यूनिवर्स के सोलर सिस्टम में कहीं भी होगा, सोलर सिस्टम के बाहर भी. कितना होता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन, नहीं न्यूटन नहीं, इसका यूनिट अलग आएगा, यूनिट हम लिख सकते हैं, न्यूटन निकाल सकते हैं इसका यूनिट. ये आर को चले जाओ, मास को नीचे ले आओ, तो यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो ये कांस्टेंट है, बहुत कम होता है ना, तो इसीलिए टू स्टूडेंट सिटिंग ऑन द बेंच इन द क्लासरूम डोंट फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मच स्मॉलर देन 1 न्यूटन एंड 1 millionth ऑफ द न्यूटन होता है, 1 millionth ऑफ न्यूटन. 1 न्यूटन के लिए मैंने बताया था कितना, 1 न्यूटन फील करने के लिए कितना ऑब्जेक्ट उठाना पड़ता है हमें, हाउ मच बिग ऑब्जेक्ट यू टू लिफ्ट टू फील द 1 न्यूटन फोर्स, 100 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, 100 ग्राम का अगर तुम ऑब्जेक्ट उठा रहे, सेल फोन उठा रहे, तो रफली 1 न्यूटन आर स्लाइटली मोर देन दैट, तो उसका 1 millionth या 1 billionth कर लो, तो दैट मच स्मॉल फोर्स इज नॉट फेल्ट बाय ईच अदर. अर्थ इज वेरी मैसिव, देयरफॉर वी आर फीलिंग द फोर्स ऑफ द अर्थ ओनली, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. आर यू गेटिंग ऑन नॉट? यस सर. लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, देन वील कम बैक टू द रेगुलर क्वेश्चन. देखो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ गए, फोर्स कहाँ लिखा मैंने यहाँ पर, देखो सी एक तो, एक तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए, और इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने के लिए फार्मूला में कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखना. इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने के लिए 9×10^9 होता है, चार्ज लिखना पड़ता है Q1. मॉड में लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने. इसका कांस्टेंट बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का कांस्टेंट बहुत बड़ा है और ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट बहुत छोटा है, ठीक है. तो अगर मैं, हम लोग दो प्रोटॉन ले लें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ले लें, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, ठीक है. तो इफ यू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस, तो इट विल कम 10^36 के ऑर्डर का, क्लोज टू दैट 36. इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10^36 टाइम्स मोर, 36 टाइम्स मोर, 10^36 टाइम्स मोर रफली, मे बी प्लस माइनस, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आई थिंक प्रोटॉन का 36 या 34 आता है, इलेक्ट्रॉन का 38 ऐसा कुछ आता है, आई एम जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग, बट इट इज मोर देन 10^30 टाइम्स. 10^30 टाइम्स इज वेरी बिग, यू नो, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम्स. 1 billion में कितने होते हैं 0, मिलियन में कितने होते हैं 10^6 होते हैं, मतलब 10 लाख, तो 10 लाख 10^6 होते हैं, 6 10^6, बिलियन में 10^9 होते हैं, 9, तो 10^36 है ना, तो कितना हो गया, बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियन है ना. This much big is their electrostatic force, you know. Electrostatic force. अभी magnet को मैं अलग कर रहा हूँ, only electrostatic मैं बोल रहा हूँ, जो proton proton होता है ना, electrostatics होता है. Electromagnetic में मतलब electron के movement से magnetism भी बनता है, electromagnetic भी generate, magnetism भी generate होती है, इसलिए we call it electromagnetic force. But purely electrostatics की बात कर रहा हूँ मैं, proton proton will apply the electrical force only. अच्छा ये बताओ कि, यू टेल मी कि अपने जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाउ इट इज इलेक्ट्रिसिटी में क्या करंट, करंट पता है तुम लोगों को, करंट, यू नो करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, यू नो. यस सर. कभी कभी लगता भी
लाइव वायर टच कर लो तो शॉक भी लगता है, लगता है कि नहीं, बोले करंट लग गया उसको, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया ना, पर्टिकुलरली रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना रेनी सीजन में, कूलर वूलर में लाइव वायर टच करती है बॉडी को, तो इट इज वेरी रिस्की. तो देयरफॉर डोंट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड वायरिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेज बेयर फुटेड इन पर्टिकुलरली रेनी सीजन, हमेशा रबड़ की चप्पल स्लीपर पहन के टच करो, इट विल बी सेफ, करंट विल नॉट बी फ्लोइंग इन अवर बॉडी, इट मींस करंट विल गो इन टू बॉडी बट सर्किट विल नॉट बी कम्प्लीटेड वेन यू यूज द इंसुलेटेड चप्पल्स एंड रबड़ या और कोई, तो विल बी सेफ. अदरवाइज नर्वस सिस्टम में अपना करंट, थोड़ा भी करंट जाता है, मिली एम्पियर भी करंट, इफ गोज इट इज डेंजरस, इफ इट इज गोज इट इज पासिंग नियर टू अवर हार्ट तो इट विल बी फेलिंग अवर हार्ट, है ना. तो इसलिए कभी भी रेनी सीजन में पर्टिकुलरली नॉर्मल कंडीशन आल्सो, ड्राई कंडीशन में रिस्क नहीं होता, बट फिर भी तो बेयर फुटेड कभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेज ऑन है तो कोई भी उसको ज्यादा केयरफुल रहना है. ओल्ड हो जाते हैं ना, जब ओल्ड जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स तब उसका इंसुलेशन निकल जाता है और करंट जो है लग जाता, मतलब उसका लाइव वायर के कॉन्टेक्ट में आने से. अवर वेयर आल्सो द कंडक्टर, हम लोग हमारी बॉडी कंडक्टिंग होती है, अर्थ इज आल्सो द कंडक्टर अपार्ट फ्रॉम ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. तो ये बताओ करंट में क्या मूव करता है, व्हाट मूव्स इन द करंट? सर इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, है ना, चार्जेस में चार्जेस, इलेक्ट्रॉन मूव करते करंट में, है ना, चार्जेस मूव करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत हैवी रिपल्सिव फोर्स भी होता है, बट हम लोग फिर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ना, उसकी वजह से दे आर मूविंग इन वन सर्टेन डायरेक्शन. तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इज वेरी लार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर टू इलेक्ट्रॉन्स और टू प्रोटॉन्स अगर उनको छोड़ दिया तो दे विल मूव अपार्ट, इवन इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. दोनों प्रोटॉन होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपेल करेंगे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वो रिपल्सिव नहीं होता. तो दोनों अगर प्रोटॉन लिए हमने तो उनके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स तो वेरी लार्ज हो जाएगा, दे विल मूव अवे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक, वेरी वीक, इवन इफ इट इज अट्रैक्टिव इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड देम. देयरफॉर आवर बॉडी पार्ट्स आर इंटैक्ट, पता नहीं तो हमारा आवर हैंड विल कम ऑफ द बॉडी, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांग नहीं होगा ना, अर्थ विल मूव आवर बॉडी पार्ट्स अपार्ट, इट विल जस्ट टेयर अपार्ट आवर बॉडी पार्ट्स, आवर हैंड विल नॉट बी एबल टू होल्ड द बुक. हमारी जो हाथ है, यू आर होल्डिंग, सपोज यू आर होल्डिंग द पेन, अर्थ बीइंग सो मैसिव इट विल जस्ट पुल द पेन ऑफ योर हैंड बिकॉज इट इज वेरी मैसिव. अगर तुमने पेन नहीं छोड़ा तुम्हारा हाथ भी नीचे गिर जाएगा, बट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बीइंग वेरी स्ट्रांग विच कैन काउंटरैक्ट, अपना हाथ जो है पेन को होल्ड कर सकता है. अर्थ इज वेरी मैसिव, इट इज पुलिंग इट डाउन बट इट इज नॉट एबल टू पुल इट डाउन, है ना. नहीं तो हैव यू एवर थॉट कि अर्थ इतनी बड़ी है, हमने सपोज बॉल को पकड़ा है तो बॉल तो सीधे अर्थ खींच लेना चाहिए अपने हाथ से, हमारा हाथ जो है छोटा ही है ना, उसका मास भी कम है, हम इतना फोर्स कैसे लगा पा रहे. इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज वेरी मैस वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, देयरफॉर वी आर एबल टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. अगर ग्रेविटेशन फोर्स से हम अपना हाथ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो अर्थ विल विन, एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट फ्रॉम अवर हैंड, वी कैन नॉट होल्ड एनीथिंग, पेन पकड़ेंगे नीचे चला जाएगा, है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज एबल टू काउंटरैक्ट द मैसिव द मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वेरी मैसिव अर्थ. अरे समझ में ये पॉइंट्स? यस सर, क्लियर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम लोग सेफ है अपना, नहीं तो हाथ टूट जाएगा, बॉल भी उठाएंगे या बुक भी उठाएंगे, अर्थ विल जस्ट ब्रेक इट. क्लियर. इवन फेदर, वी कैन नॉट होल्ड द फेदर आल्सो, फेदर भी हमारे हाथ को तोड़ देगा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग नहीं होगा तो. चलो आज हम लोगों ने बहुत कुछ नया सीख लिया, फोर्सेस के बारे में सीखा, इसी चैप्टर का ही सीखा. कहाँ पे थे हम लोग? मोमेंटम पढ़ेंगे इसके बाद. तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया,
फोर्थ का सी आंसर रहेगा, बॉल अपोजिंग है ना, आगे क्या था इसके बाद, ये फोर्थ, दिस इज गुड क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ, टेल मी, वेरी गुड, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन, जेई लेवल का क्वेश्चन, नीट एंड जेई लेवल, ओके, कैन यू हियर मी, आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? यस सर, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर. Using horizontal force of 200 newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor at the constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? तो ऑप्शन दे दूं मैं इसमें तुम्हें? हाँ सर. ओके, पहला ऑप्शन है जीरो. नहीं दूं? ऑप्शन ना दूं? You know. Options are more confusing. Without option, yes, you can get the right answer. But option में confusion होता है. इसीलिए whenever you attempt the optional question, multiple choice के जो question होते हैं ना, कभी भी option मत देखो. First you try to answer. But I am giving you to confuse you. Okay. I want to see the difference. देखो difference तुम्हें बताना है कि option देने से कितना confusion आ जाते. So that competitive examination के time में तुम्हें you should be careful for that. Zero दिया. Less than 200 newton, more than 200 newton. Equal to 200 newton. Like this. Chalo. Now I have confused you a lot. Better you don't see the answer options. Then you think and then you see the option. Sir, equal to 200 newton. Very equal. Yes. Sir, we have to move it. We have to move it at a constant velocity. So to overcome the friction. Sir, so balance force. Yes, sir. Sir, it would be D. Yes, sir. Equal to 200 newton. Any other answer? Chalo, D. Some most of you are replying D. Kiska hai? Kiska answer D hai? Bolo. Siddhant. Krishan और सर मैं सोच रहा हूँ आदित्य अच्छा आदित्य थिंकिंग और शिवानी जैसा थिंकिंग शिवानी सर इट्स 200 पक्का मतलब हॉरिजॉन्टल चलो इसको चेक कर सकते हैं वी कैन चेक इट देखो इफ यू टेक जीरो और यू आर अप्लाइंग अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन इज अपोजिंग एंड फ्रिक्शन विल बी फ्रिक्शन जो होता है फ्रिक्शन क्या अपोज करता है मोशन अपोज करता है कि कुछ और अपोज करता है सर मोशन नो फ्रिक्शन इज नॉट अपोजिंग द मोशन फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन लिसन केयरफुली आई एम गिविंग यू वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रिक्शन अब मोशन को अपोज नहीं करता है फ्रिक्शन कभी कभी तो हमें साथ में लेके जाता है जैसे सपोज वी आर सिटिंग इन द ट्रेन और कार फ्रिक्शन ही तो हमें आगे लेके जा रहा है विदाउट फ्रिक्शन Suppose ऐसे कोई सरफेस है अभी स्लाइड बैक फ्रिक्शन ही हमें आगे लेके जाता है ना वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन तो बट फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दो सरफेस को सेपरेट होने से अपोज करता है रिलेटिव मोशन अपोज करता है बट ठीक है तो ये पॉइंट याद रखना फ्रिक्शन का क्या बताता है इट विल नॉट अपोज द मोशन इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन रिलेटिव मतलब स्लाइडिंग एक के ऊपर दूसरा स्लाइड करना चाह रहा है उसको रिलेटिव मोशन बोलेंगे उसको अपोज करेगा है ना जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो इनिशियली नहीं मूवमेंट होता बाद में जब हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तभी वो स्लाइडिंग होती है ना तभी वो स्लाइडिंग होती है रोलिंग होती है तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है तो यहाँ पर देखो अभी क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है क्या है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कब होगी अगर सपोज हम जीरो ले लेंगे तो हमने तो 200 फोर्स लगाया आगे पीछे जीरो है अच्छा फ्रिक्शन जो है हमेशा इट विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन रिलेटिव मोशन अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन हां अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन अगर मूव नहीं कर रहा है टेंडेंसी आगे जाने की है तो पीछे फोर्स लगेगा अगर राइट जाने की है तो पीछे लगेगा तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा तो अभी तो बॉडी मूव कर रही है
तो अपोजिट मोशन में तो हमेशा अपोजिट ही लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन जीरो लिया अगर, तो हाँ स्लाइडिंग होती है तो बैकवर्ड ही लगेगा, स्लाइडिंग में हमेशा बैकवर्ड लगेगा, स्लाइडिंग में हमेशा बैकवर्ड लगेगा, ठीक है। तो अभी हमने 200 लगाया, जीरो लेंगे तो अभी एक्सेलेरेशन आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अगर हमने लेस देन 200 ओके तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दो। फिर अगर हमने नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लेस देन 200 सपोज यहाँ पर, सॉरी अगर सपोज हमने 100 ले लिया तो अनबैलेंस फोर्स कितना है, 100 अनबैलेंस फोर्स है आगे, तो फिर भी एक्सेलेरेशन आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स विल प्रोड्यूस द एक्सेलेरेशन, ठीक है। और मोर देन लिया तो बैकवर्ड, मोर देन तो हो ही नहीं सकता कभी, अगर हमने 300 ले लिया इधर तो हम तो फोर्स आगे लगा रहे हैं, इट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट अनबैलेंस फोर्स, जिधर अनबैलेंस फोर्स होगा उधर ही जाएगा। अब तुम बोलोगे 300 है, 300 है, अप्लाइड फोर्स 200 है, तो ये तो फिर इधर चलने लगेगा, बैकवर्ड एक्सेलेरेशन आएगा, मोर तो हो ही नहीं सकता। यस, और इक्वल टू, इज इट इक्वल टू, इज ओके। तो लेट अस सी इक्वल टू में क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हां बैलेंस। तो नेट नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, देयरफॉर नेट एक्सेलेरेशन जीरो, देयरफॉर इट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट ओके सर, आपने अभी समझाया, हां समझाया सबको, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था, हां सर, हां इसीलिए बोला कि ये जेई लेवल का क्वेश्चन है या नीट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें जिसमें लॉजिक हो, थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला ना हो, नहीं डायरेक्ट फार्मूला तो आप, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले के रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे। जब तक तुम्हारा थियरी स्ट्रांग नहीं होगा यू कैन नॉट डू इट, हार्डली 20% क्वेश्चंस आर फार्मूला बेस्ड, बाकी तुम्हारे कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो देयरफॉर दिस इज कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन देने से कंफ्यूजन शुरू हो जाते, इसीलिए कभी भी ऑप्शन मत देखो, पहले ट्राई टू राइट द आंसर, ट्राई टू गेट द आंसर फर्स्ट, देन यू कैन सी द ऑप्शन। ऑप्शन में भी बहुत बार मिस्टेक होती है, पता है, क्लोज ऑप्शन रहते हैं ना तो हमें लगता है यही सही है, या फिर हमें ओवरलुकिंग हो जाती है, अपने रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते कभी कभी जल्दी जल्दी में, तो उसमें भी इवन इफ यू फाइंड आउट द राइट आंसर, टिक मार्क में भी, जो हम जब उसको मार्क करते हैं ना बबल शीट में या फिर अपना जो कंप्यूटर वगैरह में, आजकल तो ऑनलाइन है, उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, तो बी केयरफुल सिली मिस्टेक के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मेरा अभी क्लास है इसके बाद, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं तुम्हें, अभी लीनियर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं आगे हम लोग, और लीनियर मोमेंटम के सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस वी विल डू, जो कि तुम्हारी बुक्स में नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ना, तो हाथ से लिखा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास टुमारो लीनियर मोमेंटम उस पे बेस है, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की नॉलेज चाहिए पहले, और सेकंड लॉ जो है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, तो ये आई विल एक्सप्लेन यू ना, अभी अभी जस्ट टाइम क्लोजिंग इट, ठीक है, टाइम हो गया ना, आई हैव क्लास, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर, बाय सर, ओके, चलो बाय सर, बाय बाय सर, बाय।